हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ए फ्रेश व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक मेरे एक नए व्लॉग में। आई होप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई आज आ गए आपके साथ में फिर से एक नई वीडियो लेके, ठीक है। और आज हम जा रहे हैं एक्चुअल में रोज फेस्टिवल। डेट है आज 19 फरवरी और एक्चुअल में 17 तारीख को ही रोज फेस्टिवल लग गया था। हर साल की तरह आपको पता है जैसे कि रोज चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल लगता है फरवरी मंथ में, ठीक है। तो मतलब 2 दिन से यार टाइम नहीं लगवा रहा था बिकॉज ऑफ वर्क, ठीक है। तो छुट्टी वगैरह नहीं मिल पा रही थी काम से, तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो आज संडे का दिन है तो आज चल लेते हैं। गाड़ी वाले भैया भी हाथ दे रहे थे हमें। हाँ तो मैं आपको क्या बोल रहा था, तो चलो पहले अपनी गाड़ी में फ्यूल अप करवाते हैं, ठीक है। तो पहुँच चुके हैं अभी अपा पेट्रोल पंप और यहाँ से अपा फ्यूल अप करवाएंगे पेट्रोल। अभी देखते यहाँ पे, एक्सक्यूज मैम, वो भैया डाल रहे हैं बोतल में जबकि इनलीगल है ये चीज़। पेटीएम हो जाएगा ना, 300 का डाल दो। तो गाइस फ्यूल अपना हो चुका है डन, ठीक है। 300 रुपये का मैंने इसमें फ्यूल भरवाया है। तो गाइस अभी आप मेरे सामने देख सकते हो कि बस है ग्रीन कलर की, जो कि मतलब ये लोकल बस है यहाँ की। और इनका ना मुझे एक बहुत गंदी चीज़ लगती है, जो इनका साइलेंसर है ना धुआं निकालने वाला, वो बिल्कुल फेस पे किया हुआ है इन्होंने, मतलब बंदों के ना। जब भी एकदम से थ्रॉटल देते हैं ना, एकदम से इतना सारा धुआं मुंह पे लगता है ना, बहुत बेकार जोगी, ठीक है। तो मतलब मेरी ये कंप्लेंट है इनसे कि हाँ यार एटलीस्ट उसको नीचे की साइड में कर दो, तुम सड़क की साइड में कर दो उसका मुंह, किसी के मुंह पे तो नहीं लगेगा ना वो। तो वो चीज मुझे मतलब बहुत ही बेकार लगती है इनकी। बाकी चलो हम क्या ही बोल सकते हैं किसी को। और गाइस ये मैं पहुंच चुका हूँ फिलहाल सेक्टर 16 के चौक पे, ठीक है। एज यू कैन सी मेरे सामने देख सकते हो आप, ये स्टेडियम है सामने इधर, ठीक है। और सामने सेक्टर 17 बस स्टैंड। और यार सेक्टर 16 में तो डायरेक्टली जाएंगे नहीं हम, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिलेगी। तो हम जाएंगे सेक्टर 17 की पार्किंग में, ठीक है। फिर वहाँ से अंडरपास से होके जाएंगे रोज़ गार्डन सीधा, ठीक है, क्योंकि जो अंडरपास निकलता है वो रोज़ गार्डन में निकलता है। और ये देखो बच्चा मुझे कैसे देख रहा है मुड़ मुड़ के। थैंक यू, शाउट आउट दे रहा है बंदा। और ये कितना अच्छा लग रहा है यार, ये चौक ना बिल्कुल अच्छे से सजाया हुआ है इन्होंने। एंट्री फॉर टू व्हीलर, हाँ यहाँ से अपनी एंट्री। और अपनी गाड़ी का रेडिएटर भी स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ हॉटनेस, गर्मी के कारण। अभी देना पड़ेगा इनको पैसा। पाजी हाँ मैंने ले लिया। तो गाइस इन्होंने हमें दी है जो पार्किंग 10 रुपये की। और अपनी गाड़ी को कहाँ लगाए कहाँ लगाए, चलो यहीं पे लगा देते हैं। एक्सक्यूज मी थोड़ा सा प्लीज, थैंक यू। तो गाइस गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, तो अभी चलते हैं यहाँ से सीधा रोज गार्डन। तो आपको मिलते हैं रोज गार्डन में। और आप देख सकते हैं एज यू कैन सी ये पूरी है सेक्टर 17 की मार्केट, ठीक है। पूरा का पूरा सेक्टर 17 है, बहुत दूर तक है ये, तो मैंने आपको छोटा सा दिखाया। इवन इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने यहाँ पे आके फोटोशूट किया था एक्चुअल में अपने दोस्तों के साथ। तो चलो गाइज अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं रोज गार्डन में। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अंडरपास सेक्टर 17 से 16 में जाएंगे, ठीक है। एज यू कैन सी ये है मेरे पीछे सभी लोग जा रहे हैं अंडरपास से होके। तो चलो यार हम भी चलते हैं अंदर और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये दो रास्ते निकलते हैं यहाँ पे, एक लेफ्ट और एक राइट, इधर अंडरपास से आगे, और रास्ता तो दोनों ही साइड है, तो हम जाएंगे इधर से। सो गाइज सबसे पहले मैं आया हूँ शांति कुंज में, ठीक है। इस प्लेस को बोलते हैं शांति कुंज। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो रश है, और मतलब इस तरीके का फूल है, ठीक है। पिंक गुलाब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एंड रेड वाले है, येलो है,
मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस है यहाँ पे। और बस इधर तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़ारा है, एज यू कैन सी देख सकते हो आप। तो गाइस इधर तो सामने चल रहा है डांस, आप देख सकते हो। तो अभी ये गाइस आ चुके हैं शांति कुछ से रोज गार्डन में, और भाई यहाँ पे भी सेम सीन है, मतलब एज यू कैन सी वो देखो, मतलब जहाँ तक आपकी नज़रें जाएगी आपको रश ही रश मिलेगा। और बहुत शोर है यार नॉइस, तो बस मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी है, ठीक है आप देख लेना। और गाइस भाई मतलब इतना क्राउड मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो देखो वहाँ पे देखो। और गाइस इधर कोई फ्लॉप डांस चल रहा है, देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे भी कोई ना उन्होंने मतलब एक सेक्शन बनाया हुआ है, आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बना रखी है सबने। तो चलो देखते हैं पेंटिंग को, इस टाइप की कुछ पेंटिंग बना रखी है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड स्केचेस के साथ में। यार ये बिल्कुल, ये नज़दीक से अगर आप देखोगे ना तो ये पेंट है, बट ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। एज यू कैन सी कृष्णा जी एंड मैनी मोर। गाइस इस चीज़ को देखो, ये पूरा ना पूरा बिल्कुल पेड़ से काट के एक टुकड़े को बना रखा है, और कितना ही प्यारा लग रहा है ये। और ये नीचे भी कुछ इस तरीके का बना रखा है, उधर भी सेम पेंटिंग ही है। तो अपना कुछ ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे, अब निकलते हैं यहाँ से कहीं और। तो अभी गाइस आए दूसरे स्टॉल के साइड में, इधर भी स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है एवरग्रीन लैंडस्केप पता नहीं समथिंग क्या 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 वहाँ पे, ठीक है एज यू कैन सी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को और देखने को, ठीक है मतलब होएगा भी बट मेरी नॉलेज से बाहर है, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। नॉर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, छोटे लाल जी की प्लांटेशन है, ठीक है वहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, अगर आपने लेना हो तो आप ले सकते हो। इसको ना मेरे ख्याल से फाउंटेन एरिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन हैं आप देख सकते हो, उधर पीछे में भी थे और यहाँ पे भी है, तो वो कितना ही प्यारा लग रहा है यार। तो गाइज उधर रोज गार्डन तो घूम के आ चुके हैं, ठीक है अभी मतलब दूसरी साइड में यही रोड क्रॉस करके एक पार्क पड़ता है, मुझे पार्क का नाम नहीं पता उसका, गेड़ी रूट के नाम से वैसे मशहूर है,
ठीक है, तो उधर क्या मतलब थोड़ा ना एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब बच्चों के लिए झूले वगैरह बड़े बड़े एंड मैनी मोर वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उधर चलते उधर देख के आते हैं कैसा है कैसा नहीं क्या सीन है, ठीक है। और रात को जो सिंगर आते हैं वो वहीं पे आते हैं, ठीक है। आज वहाँ पे मुझे नहीं पता कौन, तो गाइस अभी आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इधर सेकेंड मतलब सेक्शन है कोई, ठीक है, और यहाँ पे लगे हुए झूले यू कैन सी, देख सकते हो आप। और भाई मैं तो किसी भी झूले के अंदर नहीं बैठने वाला, बिकॉज मेरी फटने लगी है, ठीक है। मैं बैठा था एक बार पहले, मेरी ना उस टाइम बहुत फटी और उस टाइम से मुझे डर भी लगने लगा, मैं तो किसी झूले में नहीं बैठने वाला, बस देखता हूँ यहाँ से और फिर उसके बाद निकल लेंगे यहाँ से देख वगैरह के। और मैं जिस सिंगर के एक्चुअली में आपको बात कर रहा था कि कल आया था जो, वो मनिंदर बुट्टर था एक्चुअली, मेरे को नाम नहीं लेना आ रहा था, मैं भूल गया था उसका नाम, तो उसका नाम था मनिंदर बुट्टर। आई डोंट नो आज यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं, बट कल यहाँ पे मनिंदर बुट्टर आया था, उससे पहले पता नहीं कौन आया था। तो जस्ट मुझे कल के बारे में बताया कि कल यहाँ पे मनिंदर बुट्टर आया था, ठीक है, और आज देखते कौन आएगा, बट मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उससे पहले मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे और कहीं काम पर जाना है, सो दैट्स व्हाई। भाई यही वो झूला था जिसने मतलब मेरी फाड़ी थी, ठीक है। मतलब आपसे चार पाँच महीने पहले की बात है, एक मेला लगा हुआ था सेक्टर 25 में, तो मैं उस मेले में गया था और इस झूले पे मैं झूल रहा था, जैसे वो खड़े थे ना सेम ऐसे ही मैं खड़ा था, और मेरी लिटरली बहुत फट रही थी उस टाइम पे ना। उसके बाद मैंने इसमें बैठना ही बंद कर दिया भाई, कि मैं नहीं बैठूंगा। और इधर अपनी ट्रेन चल रही है बच्चों की, तो ये कुछ खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि चाट टिक्की ब्रेड और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, जो कि अपने कोई काम का नहीं है, बिकॉज अपने को चाहिए हेल्दी फूड। और जो गाइस मैं आपसे शो की बात कर रहा हूँ, जो सिंगर आते हैं एक्चुअल में यहाँ पे आते हैं, ये उनके लिए बना रखे हैं यहाँ पे स्टेज वगैरह, सामने आप देख सकते हो। और ये 51 वाला फेस्टिवल है, ठीक है, मतलब अब आप देख लो 50 साल हो गए मतलब इसको लगते हुए। तो ये स्टेज है, मतलब पुलिस वाले भी यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है, ठीक है। पता नहीं आज कौन आएगा कौन नहीं, आई डोंट नो, चलो जो भी आएगा आप देख लेना बाकी किसी और के चैनल। चलो झूला बदल हमें खैर हमारे देश की शान आन बान शान इंडियन आर्मी का कोई स्टॉल लगाया हुआ है, सबसे पहले तो जय हिंद सर आपको, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये जो भी है मतलब हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए जो काम करती है कैसे करती है वो सब कुछ दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, आप देख सकते हो एक एक चीज़ मतलब। अभी आ चुके हैं रोज़ फेस्टिवल से, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ पे, वही भीड़ भड़ाका और मतलब थोड़े बहुत झूले वगैरह लगे थे, ठीक है, और बस क्राउड ही था और कुछ नहीं था यार, ज़्यादा कुछ मुझे तो देखने को मिला नहीं है। तो बस यही था आज की वीडियो में। और हाँ, मुझे सबसे बेस्ट इस बार एक चीज़ लगी वहाँ पे,
कि वहाँ पे इंडियन आर्मी वालों का भी कुछ था और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने लॉन्चर्स गन्स वगैरह को लेके सब कुछ, वो मुझे नया देखने को मिला। और मतलब इसी चीज़ को लेके मतलब काफ़ी अच्छा लगा मतलब मुझे ये चीज़ इस बारी। और तो बस कुछ ज़्यादा नहीं था, यही था वीडियो में आज की। ठीक है, हम आए थे रोज़ फेस्टिवल में, ठीक है, रोज़ फेस्टिवल घूमने के लिए। और अभी चलते हैं सीधा पार्किंग में और अपनी बाइक उठाते हैं और वहाँ से चलेंगे सीधा घर। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे अगर मेरे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।